एनडी के न्यूज चैनल सच का साथ इस वक्त की खबर खुशीनगर से आ रही है। किन्नरों की भी एक अलग ही जात हुआ करती है, जो कोई पुरुष तो कोई महिला का रूप धारण करके पैदा होता है। किन्नरों की भी एक अलग जात हुआ करती है, जो कोई पुरुष तो कोई महिला के रूप में पैदा होता है। बहुत पहले प्रजापति के यहाँ एक इल नाम का पुत्र था, बड़ा होकर यही इल बड़ा ही धर्मात्मा राजा बना। कहते हैं राजा इल को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। इसी शौक के कारण राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने एक वन को गए। जंगल में राजा ने कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा। वो और शिकार करना चाहते थे। इसी चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर पहुंच गए जहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जिस समय भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया, उस समय जंगल में जितने जीव जंतु पेड़ पौधे थे सब स्त्री बन चुके थे। राजा एल भी उसी जंगल में मौजूद थे। मुझे महालक्ष्मी पंच ने बना के मुझे यहाँ बड़ौना जिला में बैठा है, कुशीनगर मठिया में। मैं यहाँ का नायक हूँ और मेरा चेला है, मुझसे रूठा है, कोई बात से रूठी हुई है, बुरी चेले की बात है। हम उनसे यही कह रहे हैं कि आके मान जाएं, बात मान जाएं, अच्छी बात है, बुरी चेले की बात है। तीसरा कोई मजा ना मारें, अब मजा लूट रहे हैं, वजह लूट रहे हैं। अब ये पत्रकारों से, थाना से, पब्लिक जनता से मेरा ये नियम है कि दोनों को मिला दिया जाए। मुझे इंसान मिला, आश्वासन मिला, बस यही सहारा, यही आसरा है। आप देखा जा रहा है कि तमाम जगह से लोग आए हुए हैं, आज किन्नर लोगों का जुटान हुआ है, तो क्या मामला है, किस बात को लेकर के? ये मैं गोरखपुर से आया हूँ, कोमल किन्नर भाई छुट्टी नायक जी की चेला, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये गुरु चेले का मैटर है, और इसमें जो गुरु चेले का प्रथा आती है हमारे समाज में वो होना चाहिए, और जो ये विवाद हो रहा है ये विवाद को खत्म करना चाहिए, है ना। हम ये नहीं जानती हैं कि बुड्ढी मालिक है, बुड्ढी मालिक आज भी नहीं है, कल भी नहीं है। रह गया सवाल, हम लोगों ने सारी पंचायत में, हमारे रुद्रपुर में पंचायत हुआ था जब वहाँ पे राजकुमारी को पटरौना का मालिक बनाया पड़ा, है ना। तो अब ये बुड्ढी जरा सा मतभेद कर रही है, क्योंकि थोड़ा सा उसका दिमाग भी थोड़ा इधर उधर चलता है। तो हम यही कहेंगे कि गुड्डी भी अपना अपने को पहचान ले और यहीं पे बात ख़त्म कर ले। तीसरा कोई ऐसा ना हो कि मजा मारे, अच्छी बात नहीं है जी। हम गुड्डी से यही रिक्वेस्ट कर रही हैं, और मैं ज़्यादा मीडिया प्रभारी से ज़्यादा मतलब वो नहीं कहना चाह रहे, और ज़्यादा उसके बारे में हम भद्दगी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी मेरा है और राजकुमारी भी मेरी है, है ना जी। राजकुमारी नायक है, यहाँ के मालिक बनाया गया, हम लोगों ने स्वयं सारे वहाँ पे हमारे जितने भी किन्नर समाज के बिरादर थे सारों ने मिल के बनाया है, तो हम कैसे इसको हटा सकते हैं। और गुड्डी से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि गुड्डी तुम प्यार से आके माफ़ी मांग लो और बात। जैसे कोतवाली भी गए थे आप लोग, तो कोतवाली में क्या हुआ? तो हमें आश्वासन दिया गया, बोले सर जी कि आप लोग कल 10 बजे आइएगा, आपका फैसला हो जाएगा। क्या नाम होगा आपका? लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस